होगा। एसी का कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई? कॉमर्स का चैप्टर थ्री। कॉमर्स का हम लोग कौन सा कर रहे हैं? चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री का नाम क्या आप लोग का? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। माने इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस एक्टिविटी को हम कैसे क्लासीफाई करें। बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी को दो प्रकार का, बिजनेस एक्टिविटी का मतलब होता है इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स को कितने तरीका से हम बांट सकते हैं और उसके टाइप्स क्या है, यही हम लोग को पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटीज में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। बिजनेस एक्टिविटी को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? दो कैटेगरी। कौन कौन सा? इंडस्ट्री, कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री का डेफिनेशन समझे थे? इंडस्ट्री का डेफिनेशन समझे थे कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, गुड्स बनाना। कैसे गुड्स बनाएंगे भाई? बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर के साथ उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री का डेफिनेशन हो जा रहा, इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। इसे क्या कहते हैं लोग? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या बनता है भाई? गुड्स बनता है। क्या बनता है? गुड्स प्रोडक्शन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कितने तरीका का होता है? 33 पेज में आ जाइएगा। हाँ। सुल्तान चंद का बुक है भाई, देखिए 33 पेज में आ जाइएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को तीन प्रकार भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरा कौन सा हम लोग का? सेकेंडरी इंडस्ट्री। और तीसरा हमारा कौन सा है? टर्शियरी इंडस्ट्री। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जो बेसिक रॉ मटेरियल देता है। क्या देता है हम लोग को? बेसिक रॉ मटेरियल देता है। ये बेसिक रॉ मटेरियल आता कहाँ से? नेचुरल सोर्सेज से। नेचुरल सोर्सेज का मतलब हो गया जैसे फॉरेस्ट हो गया, सॉयल हो गया, समझ पा रहे हैं? नेचुरल माने जो प्रकृति का सोर्सेस है, जो प्रकृति का स्रोत है, वहाँ से जो हमें रॉ मटेरियल मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का डेफिनेशन देखिए क्या है भाई? इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। दीज आर टू टाइप्स। ये प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरीका का है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। कितना तरीका का है? जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। अब क्वेश्चन आता है कि भाई जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विथ ब्रीडिंग, ब्रैकेट में क्या भाई? रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग ऑफ सर्टेन स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल। जैसे इस इंडस्ट्री में क्या होता है भाई, हम लोग क्या करते हैं? प्लांट उगाते हैं और क्या करते हैं? एनिमल का पालन पोषण करते हैं। किस लिए? ताकि उसे हमें बेच करके क्या फ़ायदा हो? प्रॉफिट हो। समझ पा रहे हैं? जैसे प्लांट नर्सरीज। प्लांट नर्सरी देखें सियालदा में कॉर्नर पे करते हैं लोग ना, छोटे छोटे पॉट में क्या करते हैं? प्लांट उगा करके वो लोग बेचते हैं। समझ पा रहे? घर में प्लांट है, है ना, तो प्लांट नर्सरी वही तो है जो घर में। उसके बाद देखिए पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म जानते हैं? पोल्ट्री फार्म क्या होता है? मुर्गी फार्म। कैटल ब्रीडिंग फार्म का मतलब क्या होता है भाई? चारा वगैरह। फार्मिंग समझते हैं? फार्मिंग माने खेती करना। देख पा रहे हैं? क्या उसके बाद में है भाई? देख पा रहे हैं क्या हम लोग का? फिश हैचरीज है एंड फॉरेस्ट्री है आर एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक। जैसे फिश वगैरह पकड़ना, फिश का क्या करना, फिश का हम लोग डालते हैं बीज, सीड्स डालते हैं, छोटा छोटा मछली का बच्चा डालते हैं ताकि मछली बड़ा हो तो उसको बेचेंगे, इसी को हम कहते हैं फिश हैचरीज। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग का क्या है भाई? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है निकालना, किसी भी चीज़ को निकालना। समझ पा रहे हैं? दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल फ्रॉम सॉयल, एयर, वाटर। पूरा मार्क कर लीजिए भाई, प्राइमरी इंडस्ट्री पूरा मार्क कर लीजिए। पेंसिल कहाँ है? पूरा मार्क करना है। यस, जेनेटिक पूरा मार्क करिए। जेनेटिक तो मैं लास्ट तक पढ़ाऊँ। नेक्स्ट आइए सेकेंडरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मार्क भी करते चलना है। दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल रॉ मटेरियल फ्रॉम सॉयल, एयर, वाटर एंड फ्रॉम बीनिथ अर्थ सरफेस। ये इंडस्ट्री से हम लोग क्या निकालते हैं? यूजफुल मटेरियल निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? सॉयल से।
एयर से, वाटर से, समझ पा रहे हैं? अर्थ का सरफेस से हम लोग जो यूजफुल क्या निकालते हैं, मटेरियल निकालते हैं, समझ पा रहे हैं? उसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. क्या कहते हैं हम लोग? एक्सट्रैक्टिव. इन दिस इंडस्ट्री द प्रोडक्ट गिफ्टेड बाई द नेचर. इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट आता कहाँ से भाई? नेचर. नेचर मतलब गॉड के जरिए, समझ पा रहे? गिफ्टेड बाई नेचर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. ये किसके लिए आता है? मैनकाइंड, हम लोगों के लिए, हम लोगों का बेनिफिट के लिए आता है. जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर समझते हैं, खेती करना. माइनिंग, माइनिंग माने खुदाई करना, देख पा रहे हैं? उसके बाद क्या भाई? क्वारिंग, ऑयल, क्वारिंग ऑयल. उसके बाद क्या है आपका? एक्सप्लोरेशन. उसके बाद क्या है? एक्सप्लोरेशन है. उसके बाद क्या है? एफोरेस्टेशन. फिशिंग करना, हंटिंग करना और सम द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव. वहीं तक मार्क कर लीजिए. एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? एग्रीकल्चर करिए या माइनिंग, आप खुदाई करिए जमीन का, समझ पा रहे हैं? या फिशिंग करिए, ये सब एक्सट्रैक्टिव है. एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वहाँ से हम लोग निकालते हैं, समझ पा रहे हैं? उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव. जैसे लकड़ी वगैरह का हम लोग कटाई करते हैं जंगल से, टिम्बर, टिम्बर, समझ पा रहे हैं? इसे कौन सा कहेंगे हम लोग? एक्सट्रैक्टिव. वहीं तक मार्क कर लीजिए, कर लिए हैं. तो प्राइमरी इंडस्ट्री हमें क्या देता है? बेसिक रॉ मटेरियल. ये कहाँ से आता है? नेचुरल सोर्सेज से. ये दो तरीका का, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव. जेनेटिक का मतलब क्या होगा? जेनेटिक का मतलब क्या होता है? प्लांट नर्सरी करना, पोल्ट्री फार्मिंग करना, समझ पा रहे हैं? फिश हैचरी करना. और एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? जमीन वगैरह से, सॉइल वगैरह से क्या करना, समझ पा रहे हैं? हाँ. जो जरूरी वाला चीज़ है उसको निकालना, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सेकेंडरी इंडस्ट्री. दिखाई दे रहा है सेकेंडरी इंडस्ट्री? इंडस्ट्री विच यूज द मटेरियल प्रोवाइडेड बाई प्राइमरी इंडस्ट्री आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री. ऐसा इंडस्ट्री जो प्राइमरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का जो मटेरियल निकला हुआ है उसको इस्तेमाल करता है. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का जो मटेरियल निकला हुआ उसको इस्तेमाल करता है, उसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं. माने प्राइमरी से जो भी आया वो कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी में. अब ये दो तरीका का होता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग माने प्रोडक्ट बनाना, कंस्ट्रक्शन माने रोड का निर्माण करना, ब्रिज का निर्माण करना, बिल्डिंग का निर्माण करना. बंगाल में तो अभी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग तो कम ही है. मैन्युफैक्चरिंग होता है बट कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है बंगाल में. जो हट्स को तोड़ करके, झोपड़ी को तोड़ करके क्या बन रहा? बिल्डिंग बन रहा, सब जगह जगह बन रहा है ना, तो कंस्ट्रक्शन का ही काम हो रहा. तो मैन्युफैक्चरिंग माने गुड्स बनाना और कंस्ट्रक्शन माने कंस्ट्रक्ट करना. चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइएगा. नेक्स्ट पेज क्या है आपका? 34. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है दिज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट. वहीं तक इसका मतलब होता है. इस इंडस्ट्री में क्या होता है? हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, या तो फिनिश गुड्स में या तो सेमी फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स माने ऐसा गुड्स जो मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल हो, विच आर रेडी फॉर सेल इन द मार्केट, उसे फिनिश गुड्स कहते हैं. सेमी फिनिश गुड्स का मतलब आधा कंप्लीट, आधा नहीं कंप्लीट, इसे कहते हैं सेमी. वहीं तक मार्क कर लीजिए. और उसके नीचे वाला लाइन में देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार तरीका का होता है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार तरीका का. एनालिटिकल का मतलब होता है बेसिक रॉ मटेरियल को ब्रेक करिएगा, तोड़िएगा, तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, उसे कहते हैं एनालिटिकल. जैसे ऑयल, ऑयल रिफाइनरी जब होता है तो क्रूड ऑयल को तोड़ते हैं तो बहुत सारे चीज़ निकल जाता है उसमें से. कच्चा तेल को जब तोड़ते हैं तो उसमें से किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब निकलने लगता है. इसे कहते हैं एनालिटिकल. माने एक चीज़ को ब्रेक करेंगे तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, इसे कहते हैं एनालिटिकल. क्या कहते हैं? समझ पा रहे? पैदी देखें, पैदी धान. धान को जब हम मशीन में डालेंगे ना तो वहाँ से दो चीज़ निकलेगा, राइस और हस्क. हस्क माने भूसी, भूसी. धान का जो भूसी होता है उसे हस्क कहते हैं. तो राइस मिलेगा और हमें क्या मिलेगा? हस्क मिलेगा. राइस मिलेगा और हमें क्या मिलेगा? हस्क. तो एक चीज़ को ब्रेक किए तो दो चीज़ मिला ना, इसको कहते हैं एनालिटिकल. क्या कहते हैं? एनालिटिकल. उसके बाद देखिए क्या, सिंथेटिकल. सिंथेटिकल का मतलब होता है इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए एक से ज़्यादा मटेरियल लग रहा है, इसे कहते हैं हम लोग सिंथेटिक. जैसे
कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स समझते हैं क्या होता है कॉस्मेटिक्स? पाउडर वगैरह भाई, सजने संवरने का चीज़, उसे कॉस्मेटिक्स ही तो कहते हैं। ठीक है, सोप, सोप समझते हैं क्या होता है? सीमेंट, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेंट, ये सब भाई बहुत सारे चीज़ को मिक्स करके जब बनेगा इसे कहते हैं हम लोग सिंथेटिकल। क्या कहते हैं हम लोग? सिंथेटिकल। प्रोसेसिंग क्या होता है भाई? प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक से जब ज़्यादा प्रोसेस लगा करके हम प्रोडक्ट को बनाएंगे उसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। मार्क करिए, देखिए, इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेज, बहुत सारे स्टेज होकर के प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे कॉटन टेक्सटाइल, कपड़ा भाई एक स्टेज में तो बनेगा नहीं, पहले धागा निकाला जाता है। आप देख लीजिएगा यूट्यूब मार के, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारा प्रोसेस होता है। शुगर इंडस्ट्री ले लीजिए, शुगर इंडस्ट्री में बहुत सारा क्या होता है? प्रोसेस होता है। समझ पा रहे? तो प्रोसेसिंग वहीं तक मार्क कर लीजिए, खाली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्जांपल बस। असेंबलिंग का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाएंगे बहुत फिनिश प्रोडक्ट को इकट्ठा करके, जैसे कंप्यूटर बनाएंगे तो कंप्यूटर के लिए हमें फिनिश प्रोडक्ट, सीपीयू चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, मॉनिटर चाहिए, तो सब तो अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट है ना, और एक साथ इकट्ठा करके हम क्या कर रहे हैं? एक साथ इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं? हम बना रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे हम लोग? असेंबलिंग। समझ पा रहे? जैसे बाइक वगैरह बनता है ना, तो बाइक वगैरह बनता है तो इंजन कहीं से कंप्लीट होके आया, कहीं से उसका सीट कवर कंप्लीट होके आया, कहीं से उसका डिक्की जो होता है डिक्की कंप्लीट होके आया, बहुत सारे पार्ट होते हैं, अलग अलग जगह से कंप्लीट करके मंगाया गया, एक साथ कस करके बेच दिया गया। साइकिल भी वैसे ही होता है, कोई टायर बनाया तो कोई पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाया। समझ पा रहे हैं? तो साइकिल, साइकिल देखें ना, नीचे ही तो साइकिल रहता है। तो भाई बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को एक साथ इकट्ठा करते हैं फिर जाके नया चीज़ बनाते हैं, इसे कहते हैं असेंबलिंग। क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरिंग कितना तरीका का है? चार, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है भाई? एक एक चीज़ बेसिक रॉ मटेरियल को ब्रेक करेंगे तो बहुत सारा चीज़ निकल जाएगा। सिंथेटिकल का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ को मिक्स करके बनाइए। प्रोसेसिंग का मतलब बहुत सारे स्टेज लगेगा, और असेंबलिंग माने बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को एक साथ इकट्ठा करके उसको बनाइए, उसे कहते हैं असेंबलिंग। क्लियर है? आगे समझा दिए भाई, इंडस्ट्री कितना तरीका का है, टाइप्स, ये देखिए फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट देख पा रहे? नीचे देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है? रोड का निर्माण करना, ब्रिज का निर्माण करना, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। मार्क करिए, दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम, कैनल एक्सेट्रा, वहीं तक। मार्क कर लिए, वहीं तक। इंडस्ट्री अब चार तरीका का होता है, कैपिटल के हिसाब से इंडस्ट्री चार तरीका का होता है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। लेकिन टर्सियरी तो हम बताया नहीं, इंडस्ट्री तो हम बोले तीन तरीके का। प्राइमरी तो बता दिए कि प्राइमरी भाई जो बेसिक रॉ मटेरियल हमें नेचुरल सोर्सेज से देगा उसे हम प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब जो बेसिक रॉ मटेरियल निकला है उसको इस्तेमाल करेगा। अब सेकेंडरी दो तरीका का, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग माने प्रोडक्ट को बनाना, कंस्ट्रक्शन माने ब्रिज, बिल्डिंग, कैनल, रोड, ये सब बनाना, इसे कहते हैं हम लोग कौन सा? कंस्ट्रक्शन। टर्सियरी का मतलब होता है सेवा देना। क्या देना? सेवा। सेवा कौन देता है हम लोग को? बैंक, बैंक हमें सेवा दे रहा है, इंश्योरेंस हमें सेवा देता है, बैंक देता है ना सेवा, लोन का लेन देन, लोन मिल जाएगा, पैसा का लेन देन हो जाएगा, इंश्योरेंस हमें रिस्क से बचाएगा, रिस्क तो है बिजनेस में, तो इंश्योरेंस हमें क्या चीज़ से बताएगा? रिस्क। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? कैरी अब गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमें मदद कर रहा है। कम्युनिकेशन माने भाई वार्तालाप, कैसे फ़ोन से वार्तालाप होगा। एडवर्टाइजिंग, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, समझे? आप जैसे नया प्रोडक्ट आएगा तो आप जान पाओगे क्या? नहीं जान पाओगे, तो हमें तो प्रोडक्ट प्रचार करना होगा ना। देखते हैं ना, प्रचार देख के हम लोग को मालूम चल जाता है, ओ ये प्रोडक्ट है, इसको प्रचार देख के मालूम चल जाता है, इसे कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। क्लियर है क्या? अब इंडस्ट्री चार तरीका का है, कौन कौन? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये रुपया के हिसाब से डिसाइड होगा कि माइक्रो कौन है। टर्सियरी दिया है बगल पेज में, देख लीजिए, आइए मार्क कर लीजिए थोड़ा। ये टर्सियरी सेवा देता है, क्या देता है? सेवा और सपोर्ट, सेवा और सपोर्ट। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, वहीं तक मार्क कर लीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करता है? सपोर्ट देता है। क्या करता है? सपोर्ट। इसे क्या कहते हैं हम लोग? टर्सियरी। क्लियर है? नीचे आइए,
माइक्रो इंडस्ट्री को MSME, कौन सा बोलिए, MSME, एक तो एक्ट है जिसे कहते हैं MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में एक एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, सारा सरकार आके बात करता है MSME को, हम ये देंगे। पापा से पूछना MSME के बारे में, डिटेल्स में बता देंगे, बहुत लोन फाइनेंस किए होंगे MSME को, समझे किसका बात कर, MSME। सब सरकार MSME का कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके आता है। MSME का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसका एक्ट है भाई MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। MSME के हिसाब से इंडस्ट्री को चार प्रकार भागों में बांटा गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज। बोले क्या बोले हैं, अब देखिए, अब इंडस्ट्री दो तरीका का होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है सर्विस। एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग माने प्रोडक्ट बनाएगा, सर्विस मतलब आपको सेवा देगा। मैन्युफैक्चरिंग माने क्या बनाएगा, आपको प्रोडक्ट बनाएगा, सर्विसेज माने आपको क्या देगा, सेवा देगा। तो मालूम कैसे चलेगा माइक्रो है, अगर प्लांट, अगर मैन्युफैक्चरिंग आप है और प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और आपका कैपिटल 25 लाख से कम है तो आप माइक्रो है, और आप सर्विस देते हैं तो आपका कैपिटल 10 लाख से कम है या 10 लाख तक है तो आप माइक्रो है। मार्क करिए, देखिए, ए यूनिट वेयर इन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू 25 लाख इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो इन्वेस्टमेंट कितना लाख तक का है, 25 लाख एंड अप टू 10 लाख इन केस ऑफ सर्विस। अगर सर्विस है तो आपका 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट है तो आप माइक्रो कहलाएंगे। स्मॉल में आएगी, स्मॉल कब कहेंगे, ए यूनिट वेयर इन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 25 लाख, 25 लाख से ज़्यादा 5 करोड़ से कम, 25 लाख से ज़्यादा 5 करोड़ से कम, 25 लाख से ज़्यादा 5 करोड़ से कम, किसके केस में, मैन्युफैक्चरिंग, किसके केस में, और आप सर्विस है तो 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम तो आप स्मॉल कहलाइएगा। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए मेरा एक तो एग्जाम्पल दे रहा, जैसे मेरा मान लीजिए एक तो स्कूल है रियल में है, सुनिए, तो हम लोग का जो स्कूल है छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल नहीं, हम लोग के यहाँ सर्विस देते हैं स्कूल, तो हम लोग सर्विस देते हैं, हम लोग यहाँ पूंजी लगभग वही 8 लाख रुपये का लगभग, तो हम लोग क्या है, माइक्रो है कि स्मॉल है, माइक्रो है, 10 लाख से कम है तो माइक्रो है। और वही मेरा पूंजी भर के 50 लाख हो गया तब हम स्मॉल में आ जाएंगे, समझे। तो सर्विस है तो अगर 10 लाख से ज़्यादा 2 करोड़ से कम, और मैन्युफैक्चरिंग है तो 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम। आइए मार्क करिए, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेयर इन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 25 लाख, दिखाई दे रहा, मोर देन 25 लाख, उसके बाद देखिए क्या, बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 करोड़, वहीं तक मार्क करिए। उसके बाद देखिए उसी में इन केस ऑफ सर्विस इंटरप्राइजेज दिज लिमिट आर 10 लाख एंड 2 करोड़ रेस्पेक्टिवली, मार्क कर लिए। मीडियम कब कहेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग हम हैं, हम क्या है मैन्युफैक्चरिंग, और मेरा 5 करोड़ से ज़्यादा बट 10 करोड़ से कम, 5 करोड़ से ज़्यादा का रुपया और 10 करोड़ से कम, तो हम मीडियम कहलाएंगे। और हम सर्विस वाले हैं, जैसे बोले ना स्कूल वाले हैं, सर्विस देते हैं, अगर सर्विस वाले हम लोग हैं तो अगर मेरा लिमिट 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम, 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम, तो हम क्या कहलाएंगे, मीडियम। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आगे बढ़ें, फिर से समझा दें। और लार्ज कब कहलाएंगे भाई, अगर मैन्युफैक्चरिंग है 10 करोड़ से ज़्यादा तो लार्ज है भाई, आपका 10 करोड़ रुपया से ज़्यादा तो आप लार्ज कहलाइएगा, और सर्विस है आपका 5 करोड़ से ज़्यादा तो आप लार्ज कहलाइएगा। जैसे आपका स्कूल कहाँ किस में है, मीडियम में है, 5 करोड़ से कम है, हाँ 5 करोड़ तो कम ही होगा, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर 5 करोड़ से ज़्यादा कि कम है, कम है तो मीडियम है, समझे। तो ऐसे करके देखिए, जैसे मान लीजिए अब मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग में, समझ पा रहे हैं, हम कॉपी में लिख देंगे कीवर्ड्स में, मैन्युफैक्चरिंग का अलग सर्विस का अलग। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो कैपिटल 5 लाख से कम, सॉरी 25 लाख से कम तो माइक्रो, 25 लाख से ज़्यादा 5 करोड़ से कम तो स्मॉल, 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम तो मीडियम, और ये बाप 10 करोड़ लार्ज, ये मैन्युफैक्चरिंग का हो गया। सर्विस का क्या होगा, 10 लाख से कम माइक्रो, 10 लाख से ज़्यादा 2 करोड़ से कम तो स्मॉल, और सॉरी क्या बोलें, 10 लाख से कम है तो माइक्रो,
दस लाख से ज़्यादा और दो करोड़ से कम तो हम क्या है, स्मॉल है। दो करोड़ से ज़्यादा, पाँच करोड़ से कम तो मीडियम, और पाँच करोड़ से ज़्यादा तो लार्ज। मार्क कर लीजिए। रोल ऑफ ए स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, क्या काम है भाई भारत में, स्मॉल बिजनेस का रोल क्या है। स्मॉल बिजनेस ही हमारे देश का बैकबोन है। 30% जीडीपी अकेला कंट्रीब्यूट करता है अपने देश में। 30% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन छोटे बिजनेस का है। छोटा बिजनेस जो है हमारे देश में रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये नहीं रहेगा तो हमारा देश का स्थिति खराब हो जाएगी। तो हमारे देश में क्या क्या भूमिका है भाई, नौकरी देता लोगों को, एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए मेरा ही छोटा स्कूल है, MSME है, तो हम 10 लोगों को रोज़गार तो ज़रूर दिए, 10 लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट। समझे क्या बोले, तो रोज़गार देना भाई, काम करिएगा तो रोज़गार दीजिएगा, काम करेंगे तो रोज़गार देंगे। समझे क्या बोले, मान लीजिए कोई बिजनेस करेगा तो 10-5 आदमी को तो रोज़गार देगा अगर अच्छा बिजनेस है तो। समझे, तो एम्प्लॉयमेंट देना मेन काम है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हर एरिया का भाई, स्मॉल बिजनेस ऐसा चीज़ है कि हर एरिया को बैलेंस करके माने मेंटेन करके डेवलपमेंट करवाता है, ग्रामीण क्षेत्र का भी डेवलपमेंट करवाता है। किसका बात करें, स्मॉल बिजनेस। थोड़ा मार्क करते हुए बढ़ते हैं, आइए पहला में आइए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऊपर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर स्मॉल इन साइज बट प्ले अ बिग रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। बहुत बड़ा रोल है भाई, बैकबोन की तरह काम करता है। वहीं तक मार्क करिए। एक नंबर एम्प्लॉयमेंट में आ जाइएगा। स्मॉल स्केल फॉर्म यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड देयर फोर दे हैव हाई पोटेंशियल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ कैपिटल। वहीं तक स्मॉल फॉर्म जो होता है ना, लेबर इंटेंसिव, दो देखिए काम करने का दो मेथड है, काम करने का दो तरीका। एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करिए, एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है खाली लेबर से हम काम करवाएंगे, कैपिटल माने मशीन लगा के काम करवाएंगे, मशीन और लेबर दोनों। समझे, टेक्नोलॉजी से काम करेंगे कैपिटल इंटेंसिव, लेबर लगा के काम करेंगे लेबर इंटेंसिव। समझे, तो छोटा जो बिजनेस होता है ना सब लेबर इंटेंसिव होता है, श्रमिक के हिसाब से काम होता है। तो ये लोग भाई श्रमिक के हिसाब से काम होगा तो श्रमिक को तो नौकरी देगा ये लोग। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो, वहीं तक मार्क कर लीजिए। इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में आइए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई ये देखिए, पहले क्या होता था कि कुछ जगह पे इंडस्ट्री होता था, कुछ जगह पे इंडस्ट्री नहीं होता था। तो स्मॉल बिजनेस इस डिस्पैरिटी को, समझ पा रहे, ख़त्म किया। सब जगह का बराबर बराबर से ये डेवलपमेंट कराना स्टार्ट किया। एक लाइन और मार्क करिए। द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लीड्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरिया। ये रूरल एरिया माने गाँव देहात, ग्रामीण एरिया में भी डेवलपमेंट कराता है। इसे कहते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कैपिटल का पूरा पूरा प्रयोग करना। हमारे पास तो पूंजी कम है लेकिन उसी पूंजी को बेस्ट वे से इस्तेमाल करेंगे, इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। आइए मार्क करते हैं। देखिए, स्मॉल स्केल फॉर्म रिक्वायर लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड देयर फोर ग्रेटर आउटपुट कैन बी ऑप्टेन विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। वहीं तक देखिए, इसमें स्मॉल स्केल में पूंजी कम लगाते हैं लेकिन आउटपुट ज़्यादा ले लेते हैं, माने अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। क्या करें, पूंजी कम है तो भाई उसी हिसाब से हमको काम करना होगा। इसे कहते हैं हम लोग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट आइए, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज माने हर क्षेत्र में एक तो संसाधन होता है लोकल। अब जैसे मान लीजिए लोकल टैलेंट है, अच्छा अच्छा लोग है, तो उसको लेकर इस्तेमाल कर लिए, ये लोकल रिसोर्स हो गया। कोई मान लीजिए अच्छा रॉ मटेरियल, उसको लेकर हम प्रोडक्ट बना लिए, तो हम पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरा पूरा इस्तेमाल करता है लोकल रिसोर्स का। ठीक है, आइए देखते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड स्किल्स विच माइट अदरवाइज रिमेन, देख पा रहे क्या क्या भाई, लेटेंट और अनयूटिलाइज। स्मॉल बिजनेस प्रमोट्स अ न्यू कैडर ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इनकरेज लोकल टैलेंट। वहीं तक मांग कर लीजिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करता है भाई, लोकल रिसोर्सेस, लोकल स्किल को क्या करता है, जो यूटिलाइज नहीं हो रहा उसको यूटिलाइज कर लेता है, उसको इस्तेमाल कर लेता है। समझे, इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स। लोकल टैलेंट को इनकरेज करेगा, लोकल लोग को इनकरेज कर देगा। इनकरेज माने प्रोत्साहित करना। चलिए नेक्स्ट क्या भाई, एक्सचेंज अर्निंग। एक्सचेंज अर्निंग आइए देखते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द कंट्री अ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन टू वेज।
Firstly, they do not require import of sophisticated machinery and equipment. Secondly, they earn valuable foreign exchange through export of their product. वहीं तक मार्क कर लीजिए. किसका बात कर, एक्सचेंज अर्निंग. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे देश में दो तरीक़े से प्रेशर कम कर रहा है. पहले तो इंपोर्ट करने का दरकार नहीं है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी को और इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने का दरकार, इंपोर्ट माने खरीदने का दरकार नहीं है. और हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाएंगे तो सेकेंडरी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं. और एक्सपोर्ट से क्या रहता, फॉरेन एक्सचेंज. और देश में जब बाहर का पैसा आएगा तो हमारे देश का रुपीज़ का वैल्यू बढ़ेगा. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भाई 40% एक्सपोर्ट कर रहा है, 40%, समझ पा रहे अकेला. चलिए उसके बाद क्या भाई, इगलेट्रियन सोसाइटी देख पा रहे क्या, इगलेट्रियन सोसाइटी. आइए देखते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स. दे प्रमोट मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ. देखिए भाई, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है ये सेंट्रलाइजेशन होता है, किसी कम लोगों के हाथ में पावर देते हैं. और कम लोगों के हाथ में पावर देते हैं तो बिजनेस भाई अच्छे से चलता है. और जब बिजनेस अच्छे से चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, समाज का जरूरत भी पूरा कर दे रहे हैं और नेशनल इनकम में हम लोग क्या करते हैं, भागीदारी निभाते हैं. भाई बिजनेस करेंगे तो सरकार को तो कमाई होगा, हम टैक्स तो पे कर रहे हैं, समझे. नेक्स्ट आइए, वहीं तक मार्क करिए, मार्क करते चल रहे हैं ना, वहीं तक मार्क करिए. नेक्स्ट, फीडर टू लार्ज इंडस्ट्री देख पा रहे हैं क्या. ए स्मॉल स्केल सेक्टर इज कम्प्लीमेंट्री टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स एंड एक्सेसरीज व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय लार्ज स्केल सेक्टर. ए स्मॉल फर्म ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स प्रोड्यूस बाई लार्ज स्केल फॉर्म. क्या करता है भाई, लार्ज स्केल को भी मदद कर रहा है लोग. स्मॉल स्केल में ऐसा ऐसा पार्ट्स बनता है जो पार्ट्स किसको जरूरत पड़ता है, लार्ज स्केल को, ये लोग लार्ज स्केल को भेज देता है. तो मदद कर रहा कहीं ना कहीं, फीडर टू लार्ज इंडस्ट्री. सोशल एडवांटेज है, सोशल एडवांटेज माने सामाजिक एडवांटेज है. आइए देखते हैं सोशल एडवांटेज क्या है. ए स्मॉल स्केल यूनिट ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंडिपेंडेंट देख पा रहे वे ऑफ लाइफ टू पीपल विथ स्मॉल मीन्स. बोला जा रहा है कि स्मॉल स्केल यूनिट जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का, समझ पा रहे. दे ऑफर सेविंग इन सोशल ओवरहेड लाइक एजुकेशन, हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटी बाय टेकिंग इंडस्ट्री नियर टू द पीपल. ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको नज़दीक नज़दीक पर सुविधा दे दिया, तो इससे क्या होगा भाई, आपको खर्च बचेगा. तो समाज को कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है. अब जैसे मान लीजिए घर से निकले, हमको सामान बगल में मिलेगा तो हम दूर जाएंगे भाड़ा खर्च करके, बगल में मिल जाएगा. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक तरीका का हमें क्या दे रहा है, सोशल एडवांटेज. क्या दे रहा है हमें, सोशल. वहीं तक मार्क कर लीजिए, सुनिए ध्यान से, एक बार गो थ्रू करा दे फटाफट क्या क्या बोले. शुरू से आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस एक्टिविटी दो तरीका का, इंडस्ट्री कॉमर्स. इंडस्ट्री में क्या बनता है भाई, गुड्स का प्रोडक्शन होता है ह्यूमन और मैकेनिकल पावर के साथ. इंडस्ट्री तीन तरीका का है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या देता है, बेसिक रॉ मटेरियल. ये दो तरीका का होता है, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिक. जेनेटिक माने प्लांटिंग सीख जाना, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप, ये सीख जाइए क्या बोलते हैं, फिशरीज सीख जाना, ये सब प्लांट इन नर्सरी, फार्मिंग वगैरह सीख जाना. एक्सट्रैक्टिव मतलब जमीन से, सोयल से या फॉरेस्ट से लकड़ी काट के लाना, ये सब एक्सट्रैक्टिव. अच्छा, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या देता है भाई, प्राइमरी में जो रॉ मटेरियल आया उसे इस्तेमाल कर लेगा. कौन इस्तेमाल कर लेगा, सेकेंडरी. अब सेकेंडरी दो तरीका का है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग माने प्रोडक्ट को बनाना है. ये चार तरीका का था, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग. और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब क्या करना, ब्रिज का निर्माण करना, बिल्डिंग का निर्माण करना, रोड्स का निर्माण करना. टर्सियरी इंडस्ट्री सेवा देता है, सपोर्ट करता है, समझ पा रहे. अब इंडस्ट्री तीन तरीका का था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट एक है, वो क्या किया भाई, इंडस्ट्री को चार प्रकार भागों में बांटा गया, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो 25 लाख से कम माइक्रो, 25 लाख से ज़्यादा 5 करोड़ से कम तो स्मॉल, 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम तो मीडियम, और 10 करोड़ से ज़्यादा तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग. और सर्विस का क्या है, 10 लाख से कम तो माइक्रो, 10 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ से कम तो स्मॉल, और 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम तो मीडियम, और 5 करोड़ से ज़्यादा तो लार्ज. ओके, तो ये किसका है भाई, माइक्रो, स्मॉल,
एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME का है। हमारे देश में स्मॉल बिजनेस का बहुत रोल है, समझ पा रहे, बहुत ही बड़ा रोल है। क्या क्या है? हमारे देश में लोगों को नौकरी देता है भाई, एम्प्लॉयमेंट देता है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट माने सारे क्षेत्र का ये डेवलपमेंट कराएगा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, एक्सचेंज अर्निंग, इगलेट्रियन सोसाइटी, देख पा रहे, फीडर टू लार्ज इंडस्ट्री, सोशल एडवांटेज, ये है रोल। किसका रोल है भाई, समझ पा रहे हैं?